पता है, मैं कुछ देर से ऐसे ही हंसते जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी से कुछ देर पहले YouTube पर दो चार लोगों की वीडियोस देखा। ज़्यादा वीडियो नहीं देखा, बहुत सारे वीडियोस आ रहा था, बट दो चार लोगों की वीडियोस देखा। लोग दावा कर रहे हैं कि मनोज देखे पहला स्ट्राइक मैं दिया हूँ, कोई बोल रहा है मनोज देखो दूसरा स्ट्राइक मैं दिया हूँ, कोई बोल रहा है मनोज देखो तीसरा स्ट्राइक मैं दिया हूँ, कोई कोई बोल रहा है कि मनोज देखे चैनल को डिलीट करवा दूंगा। ठीक है, देखो मैं सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मनोज देखा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, मनोज भाई का कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। ठीक है, और हाँ एक चीज और बता देता हूँ कि ये वीडियो मैं किसी के पक्ष में नहीं बना रहा हूँ, ना ही किसी के खिलाफ बना रहा हूँ, और ये वीडियो से ना ही मैं किसी को हेट फैलाना चाहता हूँ। बस मैं आपको रियलिटी बताने वाला हूँ, आखिर इतना बड़ा मामला सनसनी आखिर फैला क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों सब मनोज देखे चैनल को डिलीट करना चाहते हैं, क्यों उसके वीडियोज को रिपोर्ट मार रहे हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, क्या वो सही है गलत है, सब कुछ आपको बताऊंगा। बस आप वीडियो को एक बार कंप्लीट देखना, आपको सारा का सारा आईडिया आ जाएगा, उस पर डिसाइड आप खुद करना। ठीक है, ना मैं पेड मोनेटाइजेशन करने वाले को गलत बोलूंगा और ना ही मैं मनोज देखो गलत बोलूंगा, बस आप वीडियो को देखो सब कुछ समझ जाओगे। लेकिन उससे पहले आप यहां पे ये वाला क्लिप देख लो जो कि मनोज भाई एसपी साहब से मिलने गए थे। ऑफ पीपल टू डू समथिंग बैड और इलीगल, ये डेफिनेशन है कॉन्स्पिरेसी की या षड्यंत्र की। उदाहरण के लिए हम अभी समझ सकते हैं जो रिसेंटली मैं देखा यूट्यूब में चल रहा है, जैसे मनोज दे के खिलाफ बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं, एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, उनको मास रिपोर्टिंग कर रहे हैं बहुत सारी ताकि उनका चैनल डाउन हो जाए, तो ये एक प्रकार से इलीगल है और मनोज दे ने इसके लिए एक्शन भी लिया है। जहाँ तक मुझे पता उन्होंने साइबर टीम को भी सूचित किया है और साथ में एक FIR भी रजिस्टर करने का उनकी प्लानिंग चल रही है। तो आप सब भी अनावश्यक ऐसी कॉन्स्पिरेसी में, अनावश्यक ऐसे षड्यंत्रों में ना शामिल हों और इन सब चीज़ों से बचें, अवॉइड करें। जब तक कोई चीज़ इलीगल ना हो, जब तक सच में आपको इफेक्ट नहीं कर रही है, सच में वो समाज में इफेक्ट नहीं कर रही, अपना अनावश्यक रिपोर्ट मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता चली गया होगा, एसपी साहब ने खुद साफ साफ बता दिया है कि किसी भी वीडियो को प्राइवेट ग्रुप बना के बिना कोई रीजन के रिपोर्ट करोगे तो वो एक तरीके से इनलीगल माना जाएगा। रिपोर्ट आप बेझिझक कर सकते हो, रिपोर्ट करो जितना चाहो करो, लेकिन अगर आपके ऊपर एक्शन ले लिया जाएगा ना, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वीडियो से आपको कुछ नुकसान हुआ है, वीडियो से कुछ दिक्कत हुआ है, तब जाके आप रिपोर्ट कर सकते हो। अगर ये नहीं कर पाओगे ना, तो एक तरीके से इनलीगल माना जाएगा, आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, मनोज दे साइबर थाना में जाके वहां पे भी रिपोर्ट दर्ज कर चुके हैं, एसपी साहब के ऑफिस भी गए थे, साइबर थाना भी गए थे। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूं कि मैं भी झारखंड से हूं, मनोज भाई भी झारखंड से, मेरे घर से 40-50 किलोमीटर दूर मनोज भाई के घर है, तो मुझे अच्छे तरीके से पता है आखिर हुआ क्या है, मनोज दे का पावर क्या है, क्या मनोज दे, मुझे सब कुछ अच्छे तरीके से पता है, तो मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बताने वाला हूं। ठीक है, लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं कि सब कोई मनोज दे के पीछे पड़े क्यों है, सब कोई उसके वीडियोस को क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं, क्यों उसके चैनल को डिलीट करवाना चाहते हैं, सब कोई रिपोर्ट क्यों कर रहे हैं। तो देखो इसका सिंपल रीजन है, पेड वॉच टाइम। ठीक है, अभी से कुछ दिन पहले होता क्या था, यूट्यूब पर आप पेड तरीके से वॉच टाइम ले सकते थे किसी से भी। ठीक है, आप कुछ आपसे कुछ चार्ज किए जाते थे, वो चार्ज को आपको देना पड़ता था, बदले में आपके चैनल पर 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट करके आपके चैनल को मोनेटाइज कर दिया जाता था, जो कि एक कोई भी गलत तरीका नहीं है, ना ही इलीगल है। ठीक है, क्योंकि मैंने पर्सनली अपने 4-5 चैनल को मोनेटाइज किया हूँ यही तरीका से, 4-5 चैनल को मैं खुद मोनेटाइज किया हूँ यही तरीका से, अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, ना ही कोई प्रॉब्लम हुआ, ना ही यूट्यूब की तरफ से कोई मेल आया है और ना ही मोनेटाइजेशन डिसेबल हुआ है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, एक तरीके से ये लीगल माना जाता है। ठीक है, लेकिन दोस्तों अभी से कुछ दिन पहले मनोज दे ने एक वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके ट्विटर पे जाके यूट्यूब इंडिया को ट्वीट कर दिया था और बोला था कि अभी के टाइम पे यूट्यूब पे बहुत ज्यादा स्कैम हो रहा है, गलत तरीके से वॉच टाइम कंप्लीट कर रहे हैं, चैनल को मोनेटाइज कर रहे हैं, तो यूट्यूब ने कड़ा एक्शन लिया और अभी के टाइम पे पूरी तरीके से वॉच टाइम का काम बंद हो गया है। अगर कोई पीसी से लैपटॉप से कहीं से भी वॉच टाइम कंप्लीट करेंगे तो वो ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में जो लोग वॉच टाइम कंप्लीट करके कुछ अर्निंग करते थे ना, सबका अर्निंग खत्म हो गया, अभी के टाइम पे कोई भी 1 रुपए की अर्निंग नहीं कर पा रहे, क्यों, क्योंकि वॉच टाइम का काम ही बंद हो गया। और ये बंद होने का रीजन ये है कि मनोज दे ने ट्विटर पे जाके ट्वीट किया था। ठीक है, मनोज दे ने ट्विटर पे जाके ट्वीट किया था, इसीलिए इसका सारा का सारा यहां पे बंद हो चुका है वॉच टाइम का काम और सबकी अर्निंग खत्म हो गई है। तो सबका भड़ास, सबका गुस्सा मनोज दे के ऊपर है, सब कोई सोच रहा है मनोज दे ने ट्वीट किया, मनोज दे की वजह से हमारा काम बंद हुआ, सब कोई मनोज दे के चैनल को रिपोर्ट मारो, मनोज दे के चैनल को डिलीट करो, ये करो वो करो, सबको ये सोच रहा है। तो देखो सबसे पहले बता देता हूं कि पेड वॉच टाइम देने वाले बिल्कुल भी गलत नहीं है, एक तरीके से ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि आपसे कुछ पैसे ले रहे हैं, बदले में आपके चैनल को मोनेटाइज तो कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, सबसे पहले मैं ये बता देता हूं। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर मनोज दे के चैनल पर कितनी स्ट्राइक पड़ी है, क्या उसका चैनल डिलीट होगा, क्या होगा, नहीं होगा, सब कुछ आपको बताता हूं। तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि मनोज दे के चैनल पर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्राइक पड़ी है। बहुत सारे लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि 2 स्ट्राइक पड़ी है, 4 स्ट्राइक पड़ी है, 5 स्ट्राइक पड़ी है। अगर कहने को आए तो कोई बोल देगा कि 100 स्ट्राइक पड़ी है, बट उतना स्ट्राइक होता नहीं है, 3 ही स्ट्राइक होता है। लेकिन लोग अलग अलग बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है 1, 2, 3 ऐसे करके बता रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, मनोज देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्राइक पड़ी है। बट हाँ, चैनल वगैरह कुछ डिलीट नहीं होगा, वो रिकवर हो जाएगा। और दोस्तों मान लो अगर मनोज देखा चैनल डिलीट हो भी जाता है ना, तो कोई उसका कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, 1% का उसका कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा, ना ही उसका अर्निंग कुछ उखाड़ पाएगा।
सबसे पहले मनोज दे यूट्यूब से इतना अर्निंग कर चुके हैं कि उसकी आने वाली दो पीढ़ी ना बैठ के खाएगी फिर भी पैसा खत्म नहीं होगा, इतना वो कमा चुके हैं। और दूसरा चीज तो ये है कि मान लो अगर आप उसके चैनल को डिलीट भी करवा दोगे ना तो उसका कुछ नहीं होने वाला है, अगर वो कल नया चैनल बनाएगा ना तो कल के कल वो 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ मनोज दे अगर अपने फेस कैम की एक वीडियो बना के बोल देगा ऑडियंस को चैनल को सब्सक्राइब करो मेरा नया चैनल है ना, तो उतने में उसका अगला दिन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएगा, ये भी बात पक्की है। तो आपको आइडिया मिल गया होगा कि मनोज दे का चैनल डिलीट हो गया कुछ हो उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसका उसके पास मतलब बहुत सारे बैकअप चैनल है, बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे अर्निंग के सोर्स हैं, और वो कल भी चैनल बनाएगा ना तो कल के कल वो चैनल रेडी खड़ा करके दिखा देगा, ठीक है। हर एक वीडियो पे 1-2 लाख व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि उसका एक अलग ब्रांड बना है, उसका एक अलग वैल्यू है जो कि उससे कोई नहीं छीन सकता, वो सिर्फ मनोज दे का ही है। इतना भी रिपोर्ट मारो कितना भी चैनल डिलीट कराओ कुछ नहीं होने वाला है, मनोज दे ही रहेगा। और मैं ना ही ये वीडियो से मनोज दे को सपोर्ट कर रहा हूं, बस मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि आखिर यही बात है, ठीक है। लेकिन हां एक बात पक्की है कि मनोज दे ने अपने चैनल पर 6-7 साल तक काम किया है, रेगुलर मेहनत की है, डेली वीडियो बनाए हैं, मतलब मेहनत बहुत ज्यादा किया है, दिल जान लगा के मेहनत किया है, तो वैसे में हमें रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। जो भी लोग चैनल को रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि रिपोर्ट वगैरह का काम मत करो, थोड़ी बहुत गलती सबसे होती रहता है, तो वैसे में किसी की लाइफ बर्बाद मत करो। देखो अर्निंग करने का बात नहीं है, बात उसका एक ब्रांड है जो मनोज दे है ना, मनोज दे उसका जो मेन चैनल है उसी से उसका मेन ब्रांड है, उसका वैल्यू है, ठीक है। तो वैसे में चैनल बनाएगा, चैनल तो उसका रेडी हो जाएगा, 10 दिन में वो चैनल रेडी कर लेगा, मिलियन में सब्सक्राइबर्स हो जाएगा, लेकिन उसका एक अलग वैल्यू था। जो चैनल है मनोज दे अभी के टाइम पे, इस चैनल का वैल्यू एक अलग है, और अगर आप वो दूसरा बनाता है उसका वैल्यू अलग रहेगा, ठीक है, ये बहुत बड़ा चीज है। तो देखो यार मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो जो लोग चैनल को रिपोर्ट कर रहे हो सके तो रिपोर्ट मत करो, ऐसा मत करो, गलती सबसे होते रहता है, सबको यहाँ पे यूट्यूब पर सब कोई आए हैं पैसा कमाने के लिए, सबको एक दूसरे से मिलकर रहना पड़ेगा, कोई दिक्कत होता तो मिलकर सामना करना पड़ेगा। हाँ देखो मानता हूँ कि मनोज दे ने गलती किया, ट्विटर पर जाकर ट्वीट किया जिससे सबका काम बंद हो गया, एक तरीके से ये गलत किया, ठीक है, लेकिन फिर भी गलती तो सबसे होता है, माफ कर देना चाहिए, बाकी आप लोगों की मर्जी है, जो भी है, मैं बस अपना ओपिनियन बता दिया हूं कि ये बात है। बाकी हाँ देखो मनोज दे के चैनल वगैरह डिलीट नहीं होने वाला, ये मैं क्लियर कर देता हूं, और मनोज दे को सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्राइक पड़ी है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में यही था, आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, मिलते नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।